मेरे बुजुर्गो दोस्तों भाइयों आदाब नमस्कार। पूरे अंदरवाल को मेरा सलाम सलूट। इतनी खुशी मुझे 8 तारीख को नहीं होगी जितनी खुशी आज आप लोगों ने मुझे दी। मैं अपनी इस इंदरवाल की धरती को भी सलूट करता हूं जहां आप जैसा लोग पैदा हुए हैं। क्या ये जज्बा अगर आप लोगों ने आज से पहले 30 साल किया होता तो आज कोहली साहब हाजी कोहली साहब भी एमएलए होता। आज हुसैन साहब भट्ट साहब भी एमएलए होता। लेकिन तुम सोए रहे। तुम्हें जगाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे 15 साल लगे तुम्हें जगाने के लिए। लेकिन मेरी अल्लाह की मेहर है, देर आए तो सुरस्ता है। अब मेरे इंदरवाल में बाहर की कोई ताकत नहीं आ सकती है। मेरा वादा रहा आपसे, जब भी आप 5 साल के बाद आने वाले इलेक्शन होंगे तो छात्रों का कोई भी बेटा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होगा। पहले मैं अपना मैनिफेस्टो बताऊं कि मैं इंदरवाल के लिए क्या करने जा रहा हूं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं अपने गरीब आवाम को बिजली फ्री दूंगा। उसके बाद मैं राशन 35 किलो दिलवा दूंगा। जो 5 किलो देते हैं उसे 35 किलो करेंगे। जो गैस चूल्हा बीजेपी ने डफली बजा के कहा हमने फ्री गैस चूल्हा दिया, जलाने के लिए महीने में 1200 रुपए लगते हैं, मैं 12 सिलेंडर में साल के फ्री दिलवा दूंगा। आज मैंने सुना कहीं सरोड़ी ने कहा अरे भाई जो वोट नहीं डालेगा उसको जॉब कार्ड राशन कार्ड कैंसिल। अरे ये सरूर का कानून है। वो किसने साधला सरूरी ने कानून बनाया। कोई जॉब कार्ड नहीं काटेगा, कोई राशन कार्ड नहीं काटेगा, मैं उसके हाथ काट दूंगा जो ये कहने वाला होगा। मैं आपको वादा करता हूं जितने मकान बकाया है बनाने के लिए 6 महीने में कंप्लीट करूंगा। जितने मेरे चूल्हा पर्ची वाले हैं उनको पहले राशन कार्ड बना के दूंगा फिर जॉब कार्ड बना के दूंगा। वो नवंबर में मैं काम शुरू करूंगा। उसके अलावा जितने भी मेरे नौजवान हैं, कहानी तो उन्हीं की है, कहानी तो मेरे नौजवान की है, कहानी मकान की नहीं है, कहानी मेरे जवान की है। मैं आज इंदरवाल के मीडिया वाले नीचे बैठे, मैं आज इंदरवाल के लोगों से वादा करके जाऊंगा कि मैं अपने नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करूंगा। यहां टनल के काम सबसे पहले भाई लोग सिलपुरा का शुरू कर दूंगा, उसके बाद बूंदा मरवा तक शुरू कर दूंगा। 2 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट इसी सिंहपुरे नाले में शुरू करूंगा और 2 मेगावाट प्रोजेक्ट बलाना में होगा और यही 3 मेगावाट प्रोजेक्ट बोंगा में होगा सभी टोले और उसके बाद मरवा के लोगों के लिए मरवा में वहीं के बिजली वहीं पैदा करूंगा। कल ही मैंने भी एक्सचेंज से डिस्कस किया कि मुझे बताइए वहां के लिए क्या करना है। मैं वहां के लोगों के लिए सोलर प्लांट
तैयार करने वाला हो ताकि उनको किसी चीज की तंगी नहीं हो। और मैं अपनी अस्थी बरादरी से वादा करता हूँ, जितने लोग धर्म पे जाते हैं उनको मैं अपने सीडीएस से फ्री सोलर दूंगा, जो आपने कहा था। अच्छा, जितने भी आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स है, सैनिटाइजर्स है, उनको परमिट करने की मेरी लड़ाई होगी और मेरी लड़ाई होगी, क्योंकि अगर पिछला लाख जितना सैनिटाइजर 65,000 हमारे पास है वो परमिट होंगे तो नए 1,00,000 नौकरियां फिर लगेगी साल की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है कि हम साल में 1,00,000 नौकरी देंगे, उसमें जो हिस्सेदारी चढ़ेगी और मैं लड़ाई लड़ूंगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा चोर वालों के बच्चों से मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी लड़ाई यहाँ के बच्चे डेली वेजर स्कीम पे लगे ताकि हमारे बच्चों को बेनिफिट मिले। और बाकी रहा ये सड़कें, सरेड़ी साहब इच्छा में गया, मैंने बड़ी कोशिश की थी सड़क बनाने की, 18 साल नहीं बने। अरे सुरड़ी साहब तू निकल जा, सारे सड़के 6 महीने में गाड़ी पहुंचाऊंगा, वादा है मेरे इंद्रवाल के साथ। जितनी सड़के बकाया है नोट रखिए, 6 महीने में खुद गाड़ी पे जाऊंगा, ये मेरा वादा रहा, 24 घंटे काम करूंगा। मेरे सिगड़ी, मेरे बोंजो, मेरे मरवा, मेरे छात्र, मेरे मगन मैदान, मेरे केसवान, ऐसे अस्पताल बनाऊंगा कि जो नॉर्मल ऑपरेशन होगा यही पे होना चाहिए, किश्तवाड़ पे नहीं जाना चाहिए। हर अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन अपने सीडीएफ से लगा दूंगा। और मैं इंद्रवाल के लोगों से वादा करता हूँ, जो आपका सीडीएफ आज मत खाओ 3,000 मत बेचो अपने बच्चों को, जो आपका सीडीएफ वो तुम्हारा कर्जा उतारने के काम आएगा और गरीब बच्चों की शादी के काम आएगा। अच्छा उरीगढ़ वाले मुझे बोलते आप आ जाओ उधर, मेरे का क्यों, कहता सड़क नहीं। अरे 1 महीने के खाते की सड़क है, जितने तो 2 दाढ़ी पे आऊंगा, वादा रहा उनके साथ। अच्छा बोलवा बोलूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं क्या आज आपको मैं टाइम न दे पाया, जीत के पहले ही दौरा बोलवा का होगा। अच्छा उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपको बताया जाता है, कुछाल में बताया गया, मैं कुछाल के लोगों को मुबारक करता हूं, आज उसके झांसे में नहीं आए, क्योंकि अगर इंद्रवाल में कहीं का डर था मुझे वो सिर्फ कुछाल का था, लेकिन कुछाल ही सबसे फ्रंट पे है आज। तो वहां क्या कहा हाजी साहब ने, मंदिर बनाएगा, दे दो वोट मंदिर बनाएगा। अरे मंदिर नहीं बनाऊंगा, मस्जिद और दरसगाह बनाऊंगा, वादा है सुरुड़ी तेरे का, मस्जिद वहां बनाऊंगा, दरसगाह वहां बनाऊंगा जहां नमाज पढ़ी जाएगी, मंदिर वहां बनाऊंगा जहां पूजा की जाएगी। और मैं आज अपने मजदूर, क्योंकि मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं अपने मजदूरों से एक वादा करके जाता हूं कि तब तक दम नहीं लूंगा जब तक आपका नरेगा 40,000 मछली मैं साल का नहीं होगा। और आज इस मंच से मैं GRS VLW जो मेरे अगेनस्ट उसके खाते में काम कर रहे हैं, 8 तारीख का इंतजार करो, अपनी पोस्टिंगें करवा देना, कहीं मेरे खाते पल्ले न पड़ जाना, घर भी बेचना पड़ेगा। मैं किसी मुलाजम के अगेंस्ट नहीं हूं,
मैं हर मुलाजम को सलूट करता हूं और मैं सुरुरी साहब को इस माइंड से बोलना चाहता हूं, कैसे वर्कर पाले हैं आप तो खुद भी बदतमीज हो। सुरुरी साहब, अगर तुझे उस्ताद ने नहीं पढ़ाया होता तो तू खच्चर चढ़ाता आज एमएलए शिफ्ट करता होता। सुरुरी साहब, हिंदू मुस्लिम की सियासत छोड़ के आ जा, मैं तुझे इज्जत देना सिखाऊंगा। सबसे पहले अल्लाह ताला, उसके बाद माँ बाप, और तीसरे दर्जे पे मेरा उस्ताद है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप उन्हीं को बोलते हो, अगर मुझे मेरे उस्ताद ने दो हरफ नहीं पढ़ाए होते तो मैं वहां होता नाले में मजदूरी करते हुए। मैंने दो हरफ सीखे, मुझे शिक्षा मिली अपने उस्ताद से। आज भी जिन उस्तादों ने मुझे पढ़ाया है, ऊपर वाले की कसम है उनके सामने गुजरता भी नहीं। मुझे डर लगता है कि कहीं ये उस्ताद मुझे ऊंचा ना देखे। अरे तुम्हें कांध पंच ककड़ी दे पान। मैं अपनी बहन आमिना को बोलता हूँ, मेरी बहन, अगर तुझे इस उस्ताद ने नहीं पढ़ाया होता तो डीडीसी नहीं होती, तो डीडीसी नहीं होती, तो पंच भी नहीं होती, तो सरपंच भी नहीं होती। इस उस्ताद की कदर करो, यही उस्ताद हमारे भविष्य को सुधारने वाला होता है। यही उस्ताद दीनी तालीम भी देता है और दुनियाई तालीम भी देता है। मैं आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आज मैं मेहमान नवाज हूं, मुझे आज दर्द हुआ कि कहीं बंदशों के कारण आपको मेरे लिए भूखा रहना पड़ा। कुछ आपको सारी बातें न बताऊं मीडिया में, कुछ ऐसी बातें हैं कि हम आपको पानी देंगे उसका भी कोई हिसाब देना है। इसलिए आप तो एक दिन भूखे रहे, एक दिन 18 तारीख को भूखे रहना है। ऊपर वाले की कसम 5 साल खड़ा खड़ा रहूंगा आपके लिए। एक और चीज बताऊंगा, आज इसके पादे जो कमीशन खाने वाले इसके भाई घर घर आते हैं, कहते हैं जी ये ज्वाइन करेगा बीजेपी। अरे बीजेपी की बीटीम, तुम कल रात का मुझे बताओ, फिरदौस भवानी, इरशाद सुरूड़ी, असलम सुरूड़ी इकट्ठे कंपेयर कर रहे थे, अगर हमें नहीं दोगे आप बीजेपी वाले बोलते हमें नहीं दोगे सुरूड़ी को, तो सुरूड़ी के बंदे मेरी हिंदू कम्युनिटी में जाते हैं, कसम कहते हैं उनको, कहते हैं अगर बीजेपी को नहीं दोगे सुरूड़ी को तो सुरूड़ी को नहीं तो बीजेपी को। अरे मुकाबला करना है तो मेरे इंद्रवाल के लोगों से खुल के मुकाबला करो ना, मतलब को एक साइड में रख के। मैं आज इस मंच पे आपसे गीता करता हूं, ना मैं बीजेपी में जाऊंगा ना पीडीपी में जाऊंगा, मेरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। अब शर्त एक है, आपने मुझे जिताया, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं जिताया, मुझे इंद्रवाल ने जिताया, मुझे इंद्रवाल जिताएगा। अब इसी ग्राउंड में पार्टी हाईकमान आएगा जो मेरे इंद्रवाल के गरीब के साथ फैसला करेगा, हमें क्या देगा जीत के। हम यहां से किसी के पास नहीं जाएंगे, वो लोग हमारे पास आएंगे। जब हम गए थे तब उन्होंने ठुकराया, आज हम रहेंगे वो आएंगे, ये मेरा वादा रहा। लास्ट में आप देखो जी, कोई मुझे बोलता वोटर ने, वो सब जानते हैं कि गुलाम अहमद सुरूड़ी हमारा वोटर है जी। आपने आपने उसको वोट डालना जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वो सिर्फ तारेलाल शर्मा है। तो उस बात को छोड़िए, अब मैं
कटमेंट में हमारे टेनिस लाइट ऑफ मैच का कौन नहीं डिस्टर्ब डेवलपमेंट की बातें होगी, सब कुछ हो गया। आपका दर्द मेरे दिल में है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेरे मुझे पता है मेरे मजदूर का क्या दर्द है। लेकिन लास्ट पे दो दिन है, फिर माइक पे जो दर्द है। देखिए आप, ये है आपके सामने मेरा, ये है पूरे अग्रवाल के सामने। देखिए मेरे बच्चों को, मेरी बच्ची को, मेरे बेटे को अपनी माँ और सुकून के अलावा कुछ पता नहीं था। लेकिन आज वो घर घर आए हैं, आपसे इंद्रवाल की झोली फैलाई है। बैठ जाओ। मेरे आप लोगों से विनती है, बैठने के लिए सर, जो लोग मैं तो हो गया है, यार मुझे तो बात चुपने दो ना। अब मेरी जो इंद्रवाल को चाहने वाले हैं, जिनको इंद्रवाल की इज्जत चाहिए, जिन लोगों को इंद्रवाल की इज्जत चाहिए, आज 3 दिन है आज के बाद मेरे इंद्रवाल की रखवाली करोगे। देखिए हमारे महले में एक एक दो दो आदमी वो हैं जो कौम के गद्दार हैं और इलाके के गद्दार हैं। आपके पास 3 दिन बचे हैं उनको सुधारने के। वो खुद अपना वोट करे, मगर मेरे गरीब को बहला फिसला के गाड़ियों में मत भरे, उसको मत बेचे। हाँ मेरी इजाजत है, कोई भी पैसे बांटने वाला आप मिलता है, मुझे चाहिए उसकी टांगे तोड़ के। मैं और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपको कोई धमकाएगा डराएगा, मैं आज सोता नहीं हूँ। 15 दिन हो गए मुझे आपके लिए नहीं सोता, मैं रात को भी जागा हूँ,
उसका इलाज मैं छात्र अस्पताल में करवाऊंगा। आप तरह आप तरह जैसे मलिकनार ने किया वैसा पूरा इंदर वाल करेगा। तब जाके बाहर के रिश्वतखोर रिश्वत देने वाले भी हरामी होते हैं, रिश्वत लेने वाले भी हरामी होते हैं। इनको लातों से भगाओ। आप जैसे ईमानदारों की जरूरत है मुझे, आप जैसे जज्बाती लोगों की जरूरत है मुझे। तो आज मेरी झोली में 18 तारीख को मेरा इंद्रवाल दो। आज इस माई से वादा करके जाता हूँ, जब तक जिंदा हूँ अपना एक एक कतरा खून इंद्रवाल के लिए बहा दूंगा। ये मेरा वादा रहा, ये मेरा वादा रहा। और मेरे आलिम जो मुफ्ती साहिबान है उनसे भी मेरा वादा है, हम घर घर आपको मांगने नहीं देंगे कुछ, हम सरकार से लड़ेंगे। जैसे जेएनके से बाहर तनख्वाह मिलती है हमें भी दे, हमें भी गुर्बत है, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। इसी के साथ जो जहां से गाड़ी में आया है मेहरबानी करके जो गाड़ी को गाड़ी वाले इंतजाम कर रहे हैं मेरे वर्कर, एक भी बंदा यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं 10 बजे तक नहीं हटूंगा जब तक सारे बंदे अपने घर में पहुंचेंगे। तो मेरे इंद्रवाल के लोगों से एक विनती है कि बस फसल तैयार है, कोई और खाने वाला नहीं आना चाहिए मेहरबानी करके। तो आप सिर्फ दो बातें, ये बिलाल साहब आपसे बताएंगे दो बात। देखिए इतना बड़ा मजमा है, बहुत सारे स्पीकर हैं, अगर यहाँ पे एक मिनट, तो मैं चाहता हूँ कि जो